अभी हम लोग देखेंगे कैसे ये डीवीडी ड्राइव को असेंबल करें। असेंबलिंग के लिए आप देख सकते हैं ये पूरी लेंथ असेंबली को पहले ये ड्राइव में आपको फिक्स करना पड़ेगा। इसके लिए पहले आप इसको प्लेस कर लें। पहले आप ये रबर स्टैंड अप से पहले इसे फिक्स कर लें, उसके बाद लेंथ असेंबली को बिठा लें। दोनों स्क्रू को कस लें। उसके बाद आप ये हेड केबल जो है लेंस असेंबली को कनेक्ट कर लें। और इसके बाद ये प्लास्टिक लॉक को प्रेस कर लें ताकि ये केबल अपने आप लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप इसे पीछे की तरफ रोटेट कर लें और ये जो स्पिंडल मोटर का केबल है मेन लॉजिक बोर्ड को कनेक्ट कर लें। यहाँ पे आप इसको अभी लेंस असेंबली आपका पूरा फिक्स हो गया है, अभी आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद आप ये ट्रे को डिस्क ड्राइव में कनेक्ट करें। ट्रे को डिस्क ड्राइव में कनेक्ट करने के लिए आप उसके जो दो स्लाइडर हैं, ये दो स्लाइडर हैं जिसके ऊपर से ये ट्रे मूवमेंट होता है, उसी पे रखें और जैसे ही आप उसे पुश करेंगे तो अपने आप वो अंदर चला जाएगा और ये ट्रे अपने आप बैठ जाएगा। उसके बाद आप टॉप कवर है उसको कनेक्ट कर लें। इसके बाद जो फ्रंट कवर है उसको आप लगा लें। उसके बाद ये फेस प्लेट है आप इसे कनेक्ट कर लें। जैसे आप इसे पुश करेंगे अपने आप वो लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप ये ट्रे को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आप ये बॉटम कवर को पहले ये लॉक में फंसा के तीनों प्लास्टिक के जो लॉक है उसमें फंसाने के बाद आप उसे प्रेस कर लें तो अपने आप बैठ जाएगा। उसके बाद जो चार स्क्रूज हैं आप उसे फिर से
लगा लें। आपका पूरा असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग डीवीडी ड्राइव का इस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू।